हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ दीप्ति सिंह। माया किचन में आपको स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ निरामिष आलू सोयाबीन की सब्जी बना के दिखाने। तो निरामिष आलू सोयाबीन, जिस दिन आपने प्याज लहसुन नहीं खाते हो, ऐसे कि नवरात्रों में हमने प्याज लहसुन इस्तेमाल नहीं करते, तो उस टाइम आप बना के खा सकते हो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ निरामिष आलू सोयाबीन की सब्जी बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। आलू सोयाबीन निरामिष सब्जी के लिए चाहिए आपको 4 आलू, जिसको मैंने उबाल के रखी हूँ, 50 ग्राम सोयाबीन, जिसको मैंने गर्म पानी में भिगो के निकाल के रखी हूँ, और चाहिए आपको 4 टेबलस्पून ऑयल, 2 टमाटर जिसको मैंने पीस के रखी हूँ, 2 टेबलस्पून नमक, नमक आप स्वाद अनुसार देना, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून एमडीएच के किचन किंग मसाला, 1 टीस्पून चीनी और कुछ थोड़ी सी कटी हरी धनिया। और तड़के के लिए चाहिए आधा टुकड़ा अदरक, जिसको मैं कूट के रखी हूँ, आप पीस के भी दे सकते हो, 2 इलायची जिसको मैं तोड़ रखी हूँ, 2-3 टुकड़ा दालचीनी, 3-4 टुकड़ा लौंग, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 2 तेजपत्ता, 3 आपको लाल साबुत लाल मिर्च। अब चूल्हे में मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। जब तक मैंने आलू कटिंग करेंगे, तब तक मेरा कढ़ाई गर्म हो जाएगा। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, इसमें मैंने पहले थोड़ी सी 2 टेबल ऑयल डालूंगी। इसमें आलू को हल्का सा भून लेंगे। आप देख सकते हो आलू मेरा भून गया है हल्का सा। इसको मैं बाउल में निकाल लेंगे। अब मैं इसमें बाकी के ऑयल डाल दूंगी। ऑयल मेरे गर्म हो चुके हैं, इसमें मैं साबुत जीरा, लौंग, दालचीनी, इलायची, इसमें मैं जो अदरक कूट के रखी थी वो भी डाल देंगे। अदरक आप पेस्ट बना के भी बेच सकते हो। अब मैं इसमें टमाटर के पेस्ट डाल दूंगी। टमाटर के पेस्ट मेरा हल्का भून गया है, इसमें मैं काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया, चीनी और नमक। नमक तो आप स्वाद अनुसार देना, जैसे खाते हो। सबको देख के मैं भून लेंगे मसाला को। आप देख सकते हो मसाला मेरा भून गया है, इसमें से खुशबू भी निकल आए और साइडों में से ऑयल भी निकल आए। अब मैं इसमें जो भुना हुआ आलू था उसको मैं डाल देंगे, इसको भी थोड़ी सी भून लेंगे, इसके अंदर सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे। अब मैं इसमें जो सोयाबीन है उसमें डालूंगी। ये बहुत जल्दी झटपट बन जाते हैं,
अभी सब्जी भून गए हैं, इस पे आपने जैसे खाओगे, तड़ी वाले खाओगे तो ज़्यादा पानी डालना, हल्का सूखी सूखी होंगे तो थोड़ा सा पानी डालना। मैंने मीडियम पानी डाली है, ज़्यादा तड़ी ना ज़्यादा सूखी। अब इसको मैंने 2 मिनट के लिए धीम आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब मेरे 2 मिनट हो चुके हैं, इसमें मैंने MDH के किचन किंग मसाला दे देंगे। क्योंकि आलू मेरा उबला हुआ था इसीलिए झटपट बन गया और भी, और इसके मैं ऊपर से ना 2 चम्मच घी डाल देंगे, थोड़ी और स्वाद आ जाएगा। अब आलू सोयाबीन की निरामिष सब्जी बनके तैयार हो गया। थोड़ी सी धनिया कटी हुई दे दिए। अब मैं इसको बाउल में डाल के साफ करने जा रही हूँ। निरामिष आलू सोयाबीन की सब्जी बनके तैयार हो गया। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर निरामिष के रिलेटेड के कोई सब्जी आपको देखना है तो ऊपर में आइकन को जाके क्लिक करना, और पसंद आए तो माया किचन को सब्सक्राइब करना भूलना मत।